स्वागत है आपका ट्रैवल फॉर विथ हनीफ में। आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 07617 हजूर साहिब नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के दरमियान चलने वाली तपोवन एक्सप्रेस के बारे में। ये ट्रेन इस वक्त में स्पेशल के रूप में चल रही है। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह निवेदन है कि अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तपोवन एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के बीच रोज़ाना चलने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन को साउथ सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है। तपोवन एक्सप्रेस 606 किलोमीटर का अंतर तय करती है और इसको ये अंतर पूरा करने में लगभग 11 घंटे 50 मिनट लग जाते हैं। ये ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकती है और इस ट्रेन की औसतन जो स्पीड है 51 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। तपोवन एक्सप्रेस में कुल 18 कोचेस होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। इस ट्रेन के अंदर चेयर कार के 2 कोचेस होते हैं, इसमें सेकंड सीटिंग के 14 कोचेस होते हैं और इसमें SLR के 2 कोच होते हैं और इस ट्रेन के सभी रेक ICF श्रेणी के रेक होते हैं। ये ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ से रोज़ाना सुबह 10:05 को रवाना होती है और रात में 9:55 को ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई पहुँच जाती है। ये ट्रेन रेक शेयर करती है ट्रेन नंबर 07687 और ट्रेन नंबर 07688 मराठवाड़ा फेस्टिवल स्पेशल, इस ट्रेन के साथ ये रेक शेयर करती हैं। इस ट्रेन को जो लोकोमोटिव सर्विस देता है हजूर साहिब नांदेड़ से मनमाड़ तक, इसको डीजल लोकोमोटिव सर्विस देता है, जैसे कि मौला अली लोको शेड का WDG 3A या फिर WDM 3A ट्विंस, ये लोको इसको सर्विस देते हैं। और मनमाड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक इसको इलेक्ट्रिक लोको सर्विस देता है, जिसमें कल्याण WCAM 3 ये इलेक्ट्रिक लोको इसको सर्विस देता है। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के फेयर के बारे में। इस ट्रेन का हजूर साहिब नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक का जो किराया है चेयर कार का, वो है ₹895 GST प्लस रिजर्वेशन चार्जेस मिला के। और इस ट्रेन का सेकंड सीटिंग का किराया है ₹200 रिजर्वेशन चार्जेस मिला के। और ये जो फेयर मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड फेयर नहीं है। अपडेटेड फेयर के लिए आप रेलवे के काउंटर पर या फिर IRCTC की वेबसाइट पर इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के समय सारणी के बारे में। ये ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ से सुबह में 10:05 को रोज़ाना रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन पर 10:36 पर और 10:38 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 30 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है परभनी जंक्शन पर सुबह में 11:13 पर और 11:15 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 58 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है मानवत रोड पर सुबह में 11:35 पर और 11:36 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 86 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सेलू पर सुबह में 11:49 पर और 11:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 101 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है परतूर पर दोपहर में 12:14 पर और 12:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 128 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है जालना में दोपहर में 1:08 पर और 1:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 173 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है औरंगाबाद पर दोपहर में 2:30 पर और 2:35 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है और ट्रेन अब तक के 235 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है लासूर पर दोपहर में 3:04 पर और 3:05 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 269 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है रोटेगांव पर दोपहर में 3:29 पर और 3:30 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 296 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मनमाड़ जंक्शन पर दोपहर में 4:50 पर और 5 बजे ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 10 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 349 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है शाम में लासलगांव पर 5:19 पर और 5:20 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 374 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है निफाड़ पर शाम में 5:34 पर और 5:35 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 390 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है।
इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नासिक रोड पर शाम में 6:02 पर, और 6:05 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 3 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 422 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक पूरा कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है देवलाली पर शाम में 6:13 पर, और 6:15 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 428 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इगतपुरी पर शाम में 7:10 पर, और 7:15 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 472 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक ये पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कल्याण जंक्शन पर रात में 8:37 पर, और 8:40 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 3 मिनट ये ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 554 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक ये पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है ठाणे पर 8:58 पर, और 9 बजे ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकती है, 572 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है दादर सेंट्रल पर रात में 9:23 पर, और 9:25 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है, 596 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक की पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई पर रात में 9:55 पर, और ट्रेन अब तक के 607 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।